नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक रिजल्ट के बारे में और BDO के DB के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कब तक हो सकता है करके। दोस्तों, इसको लेकर आयोग को मेल किया गया था। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कनिष्ठ सहायक के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि अब बेसब्री से जो इंतजार हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों कनिष्ठ सहायक के रिजल्ट का। तो कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट दोस्तों 3 मई से पहले तक दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल पक्की खबर है। 3 मई से पहले दोस्तों ये आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जिनके भी दोस्तों ठीक ठाक नंबर हैं इसमें, उनका इसमें जरूर से आ जाएगा, और जो 61 पद है दोस्तों वो भी इसमें शायद जुड़ जाएँ, और लगभग के 770 से कुछ ज़्यादा पद इसमें हो जाएंगे। और रिजल्ट दोस्तों देखने वाली बात होगी कितने पर आता है, लगभग 2000 से ज़्यादा पद पर दोस्तों ये रिजल्ट आपका आने वाला है। जैसे ही आएगा उसको आपको बता दिया जाएगा। अब बात करें दोस्तों BDO का DB कब तक होगा। अब BDO को लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ, हालांकि वो बात सही भी है कि कई लोगों ने इस तरह का हुआ भी है, कुछ इस तरह का जो भी घटना हो रही है। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि आयोग DB कराने के मूड में है। आयोग दोस्तों इसका DB कब तक कराएगा दोस्तों, 10 मई तक दोस्तों आयोग इसकी सूचना जारी कर सकता है ऐसा सुनने में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों 15-20 दिन के भीतर इसका DB भी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 10 मई तक दोस्तों आयोग के द्वारा संवाद जारी कर दिया जाएगा और उसमें पता लग जाएगा कि DB कब तक होगा। तो मई के दोस्तों लास्ट में और जून के दोस्तों फर्स्ट में आपका DB होने वाला है, क्योंकि दोस्तों DB लगभग कि 8-9 दिन इसमें चलने वाला है, क्योंकि एक दिन में 100-100 करके बच्चे बुलाए जाएंगे। तो इस वजह से दोस्तों लगभग कि 8-10 दिन आपका ये DB चलने वाला है BDO का। तो ये थी आज की जानकारी, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।